बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फैक्टोरियल के लिए, ठीक है, तो फैक्टोरियल प्रोग्राम, ठीक है, तो फैक्टोरियल में हमारे पास अगर हम ऐसा लिखे कि 2 फैक्टोरियल, तो वो किस तरह के बराबर होते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और इस तरह ये जाते हैं। अगर मैं 3 लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर 3 और इस तरह की मल्टीप्लिकेशन जो है ये 1 तक होते हैं फैक्टोरियल में। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र से एक इनपुट लेता हूँ, ठीक है, इनपुट इंटर नंबर, ठीक है, यूज़र एक नंबर इंटर करेगा, तो फिर उसका हम क्या करेंगे, उनका हम फैक्टोरियल लेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले गुड ऑप्शन, ये एक अच्छा तरीका है कि हम अपना जो नंबर है इसको इंटीजर से पास कर ले, ठीक है, और फिर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है, ए आई, ठीक है। तो इस तरह मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रेंज भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और कुछ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1 2, कहाँ तक हमारा जो नंबर है, ठीक है, उस तक। तो यहाँ पर मैंने इस नम प्लस 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये नम तक ही 1 माइनस तक यूज़ करता है, ये क्रिएट करता है, इसलिए मैंने नम प्लस 1 लिखा है, ठीक है। इसको हम बाद में भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्या करो, तो यहाँ पर मैं एक अदर फैक्ट में, एक अदर वेरिएबल में यहाँ पर लेता हूँ और उसको मैं 1 असाइन करता हूँ। यहाँ पर फिर मैं लिखता हूँ कि फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई, ओके, और इसको फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ हमारे पास जो नंबर था, ठीक है, इज क्या है हमारे पास, क्या आया, फैक्ट आया, ओके। चलो इसको हम चेक करते हैं कि ये सही काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ तो ये मुझको 120 आंसर देता है। चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, इसको मैं 3 देता हूँ तो ये 6 देता है, ठीक है, फिर से चलो 4 ही देते हैं तो ये 24, ओके। इस तरह हमने जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है ये हमने क्रिएट किया। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है। और आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।